सितंबर का पहला हफ्ता भी समाप्ति की ओर है। अभी भी बिहार में सामान्य से 25% वर्षा की कमी बनी हुई है। पिछले 2 दिनों से पटना सहित बिहार के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। आने वाले दिनों में भी भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। IMD द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार इन दिनों मॉनसून एक्टिव है। 11 सितंबर से एक बार फिर से मॉनसून की रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। पूरे बिहार में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। फिलहाल आज भी बिहार के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भाग के अनेक स्थानों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही 2 जिलों में भारी बारिश भी हो सकती है। आज दक्षिण बिहार में अच्छी बारिश हो सकती है। बिहार में मानसून ऐसे ही कमजोर नहीं रही। कारण है कि एक के बाद एक कम दबाव का क्षेत्र आनी दो पहले और तीसरा अभी बन गया है। ये सारे मौसम गतिविधियां मानसून ट्रफ को नीचे की तरफ खींच कर रखा था। इसका मतलब हुआ कि मानसून ट्रफ ज़्यादा समय तक अपने समान स्थिति से नीचे की तरफ रही, जिस कारण बस बिहार के ऊपर नमी वाला हवा पर्याप्त मात्रा में लगातार नहीं पहुंच पाया। फलस्वरूप वर्षा में कमी बनी रही। थोड़ा बहुत बीच बीच में सुधार हुआ। पुनः परिस्थितियां बदल रही है। बंगाल की खाड़ी का कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। संबद्ध चक्रवाती परिसंचरण 7.6 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। मानसून ट्रफ अब बीकानेर, कोटा, गुना से होते हुए बंगाल की खाड़ी पर बना निम्न दबाव के केंद्र से गुजर रही है। इन परिस्थितियों के बीच बिहार में 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा एवं दक्षिण पश्चिम भागों के एक दो जगह भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। बिहार के क्षेत्रों पर ज़्यादा महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा। 7 सितंबर को नमी वाला हवा का प्रभाव बढ़ सकता है। वर्षा की उम्मीदें भी कुछ ज़्यादा बढ़ सकती है। आज यानी कि 7 सितंबर को पटना, भोजपुर, बक्सर, अरवल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय और बेगूसराय जिलों के अनेक स्थानों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है, जबकि भभुआ और रोहतास में भारी बारिश होने वाली है। दक्षिण बिहार के सभी 19 जिलों में ठनका गिरने और बिजली चमकने की संभावना बनी हुई है, इसीलिए इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पटना से लोकल एटिंग के लिए सच्चिदानंद की ये रिपोर्ट।